हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारी क्वेरी नंबर फर्स्ट स्टार्ट करना है आज। इससे पहले हमने एक डिमेंशंस वाले रिजल्ट कर लिए थे, थ्योरम कर ली थी। इसकी स्टेटमेंट है, इफ़ यू वन एंड यू टू आर फाइनाइट डिमेंशंस सब डिमेंशनल सबस्पेस ऑफ ए फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस वी ओवर द फील्ड एफ, देन सच दैट कि यू वन इंटरसेक्शन यू टू इज़ जीरो सबस्पेस, देन प्रूव दैट यू वन प्लस यू टू का डायरेक्ट सम की डायमेंशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू वन प्लस डायमेंशन ऑफ यू टू। तो प्रूफ देखो, देखो डायमेंशन ऑफ यू वन प्लस इंटरेक्ट सम की जो डायमेंशन होगी यू वन यू टू की, वो इज इक्वल टू होगी डायमेंशन ऑफ यू वन प्लस यू टू, ठीक है। और डायमेंशन ऑफ यू वन प्लस यू टू, अभी हमें अबव थ्योरम किया, डायमेंशन ऑफ यू वन प्लस डायमेंशन ऑफ यू टू माइनस डायमेंशन ऑफ यू वन इंटरसेक्शन यू टू। बट हमें क्यों है कि यू वन इंटरसेक्शन यू टू जीरो सबस्पेस है, तो जीरो सबस्पेस की डायमेंशन हमेशा जीरो होती है। तो डायमेंशन ऑफ यू वन प्लस डायमेंशन ऑफ यू टू माइनस जीरो आएगा, दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ यू वन प्लस डायमेंशन ऑफ यू टू। तो दैट मीन्स क्विकर क्रोलॉजी फर्स्ट आती है, तो इससे पहले आपको थ्योरम नंबर फर्स्ट का प्रूफ देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्रोलॉजी सेकेंड, कि इफ़ आपके पास इफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी एफ इज डायरेक्ट सम ऑफ इट्स सब स्पेसेज यू वन एंड यू टू, प्रूव दैट डायमेंशन वी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू वन प्लस डायमेंशन ऑफ यू टू। तो प्रूफ करते हैं, गिवन है कि वी डायरेक्ट सम है यू वन प्लस यू टू का, तो डायमेंशन ऑफ, तो जब डायरेक्ट सम की डेफिनेशन की थी तो हमारे पास डायरेक्ट सम हम तब लिख सकते थे अगर वी लीनियर सम लिख पाएँ और यू वन इंटरसेक्शन यू टू जीरो सबस्पेस हो। तो वी वन इज वी इज इक्वल टू यू वन प्लस यू टू, तो डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू वन प्लस डायमेंशन ऑफ यू टू माइनस डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन, एंड डायमेंशन ऑफ यू वन इंटरसेक्शन यू टू इज इक्वल टू जीरो। तो दैट मीन्स वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका डायमेंशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू वन प्लस डायमेंशन ऑफ यू टू आ जाएगी। यही हमने प्रूफ करना था। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 13, जिसकी स्टेटमेंट है यू वन एंड यू टू आर फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेसिस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वैक्टर स्पेस वी एफ ओवर द वी ओवर द फील्ड एफ एंड वी इज इक्वल टू यू वन प्लस यू टू, दैट मीन्स लीनियर सम है, एंड डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू वन प्लस यू टू है। देन प्रूव करना है कि वी इज डायरेक्ट सम होगा यू वन और यू टू का, दैट मीन्स आपको लीनियर सम और डायमेंशंस इक्वल गिवन है, वी की डायमेंशन ऑफ यू वन प्लस यू टू के इक्वल। प्रूव करना है कि वी डायरेक्ट सम है यू वन और यू टू का। तो हम देखते हैं, सपोज करते हैं, प्रूफ प्रूफ है जो वो देखते हैं। सपोज किया कि यू वन की डायमेंशन एम है एंड डायमेंशन ऑफ यू टू इज इक्वल टू एन है। बी वन एक आपके पास बेसिस है यू वन की, ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट्स पड़े हैं, वेक्टर्स पड़े हैं वी वन वी टू सॉन वी एन, एंड बी टू बेसिस है यू टू की, डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू एन एलिमेंट्स हैं यू टू की। देखो यू वन के अंदर एम एलिमेंट्स है तो लास्ट इंडेक्स एम लिया वी का, यू टू के अंदर एन एलिमेंट्स तो लास्ट इंडेक्स है एन लिया, दैट मीन्स डायमेंशन होती है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस, ठीक है। तो लेट बी आपने बेसिस ली u1 वन प्लस यू टू, दैट मीन्स वी की बेसिस ली, तो ये हमने शो करना है कि p के अंदर b1 वन प्लस बी टू के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे b सेट के अंदर रखे, v1 v2 वी टू सन वी एम डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू एम। हमने शो करना है कि जो बेसिस है, जो b बेसिस है वो v की है, ठीक है। नाउ वी शैल प्रूव दैट b इज बेसिस ऑफ v इज इक्वल टू u1 वन प्लस यू टू। तो लेट x एलिमेंट्स उठाते हैं v में से, तो x को हम लिख पाएंगे क्योंकि v इज इक्वल टू डी सम है यू वन प्लस टू टू का। तो x किस टाइप का एलिमेंट होगा, v प्लस w का, वेयर v यू वन में से w यू टू में से, सिंस b1 वन बेसिस ऑफ u1 तो लीनियर स्पैन ऑफ p1 वन इज इक्वल टू यू वन के इक्वल होगा। तो v बिलोंग टू u, ठीक है, v बिलोंग टू u1 वन इम्प्लाइज दैट कि देर एग्जिस्ट अल्फा स्केलर्स मिलेंगे कि v को हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिख पाएंगे b1 की बेसिस का। तो v को लिख पाएंगे इज इक्वल टू स्मीशंस i रनिंग फ्रॉम 1 टू m अल्फा i vi। आल्सो b2 इज बेसिस ऑफ u2, तो लीनियर स्पैन ऑफ b2 इज इक्वल टू u2 आएगा, तो u2 का हर एक एलिमेंट हम लिख पाएंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस b2। तो देयरफॉर w2 तो देयर एग्जिस्ट स्केलर मिलेंगे bj बीटा j बिलोंग टू फील्ड सच दैट w इज इक्वल टू स्मीशन j रनिंग फ्रॉम 1 टू n बीटा i wj, ठीक है। तो फिर x आपके पास है v प्लस w, तो अबव x और y w की वैल्यूज v और w की वैल्यूज पुट करोगे, तो v की वैल्यू समीशन i रनिंग फ्रॉम 1 टू m अल्फा i vi प्लस समीशन रनिंग j 1 टू m बीटा i wj। तो x आपके पास है
सॉरी, यहाँ पे जो डब्ल्यू वाला फैक्टर है, बीटा आई की जगह आप बीटा जे लिखोगे अबव और नीचे वाले इक्वेशन के अंदर, समीशन जे रनिंग वन टू एन है तो बीटा जे डब्ल्यू जे। तो अब आपके पास ये लीनियर कॉम्बिनेशन किसका एलिमेंट का लिखा गया, बी का, तो दैट मीन्स एक्स किस में चला गया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी एलिमेंट बेसिस के, जो बेसिस शो करना है। तो एक्स बिलोंग टू वी इंप्लाइज दैट कि एक्स लीनियर स्पैन ऑफ पी के अंदर चला गया, तो वी सबसेट हो गया लीनियर स्पैन ऑफ पी, और हम जानते हैं कि बी सबसेट ऑफ वी है, ठीक है। तो लीनियर स्पैन ऑफ पी लीनियर स्पैन ऑफ वी के अंदर कंटेन होगा, वी सब स्पेस है जो वैक्टर स्पेस है, तो वैक्टर स्पेस का लीनियर स्पैन अगेन वही सेट मिलता है, तो एल वी इज इक्वल टू बी के इक्वल आएगा। तो लीनियर स्पैन ऑफ बी कंटेन हो गया वी के अंदर, तो दैट मीन्स अब हमने पहले शो किया था कि वी कंटेन लीनियर स्पैन के अंदर, और अब लीनियर स्पैन ऑफ बी कंटेन वी के अंदर, तो दोनों इक्वेशन की हेल्प से दोनों इक्वल हो जाएंगे, लीनियर स्पैन ऑफ पी इज इक्वल टू वी आ जाएगा, तो बी बेसिस बन जाएगा इसके वी के, तो क्योंकि बी कंटेन एम प्लस एलिमेंट्स एंड डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू वन प्लस डायमेंशन ऑफ यू टू हमें गिवन, ठीक। एक्चुअली बी कंटेन करता है एम प्लस एलिमेंट बेस, और बी बेसिस, और बेसिस के अंदर जो आपके पास एलिमेंट है वो एम प्लस एन आ गए। नेक्स्ट हमने शो कर दें, आपके पास ये तो हो गया कि डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू वन प्लस यू टू तो हो गया क्योंकि एम प्लस एन आ रहा है। फर्दर हमने शो कर दें कि दोनों की इंटरसेक्शन जीरो सबस्पेस है, अगर जीरो सबस्पेस शो कर देते हैं तो आपके पास डायरेक्ट सम फॉर्म कर देगा बाय अबव थ्योरम जो भी हमने की थी। लेट यू बिलोंग करते हैं यू वन इंटरसेक्शन यू टू, बी एनी एलिमेंट्स आर्बिट्री एलिमेंट्स हैं, तो स्मॉल यू बिलोंग टू यू वन में भी जाएगा और यू टू के अंदर भी जाएगा अगर इंटरसेक्शन के दोनों की, तो यू को लिख पाएंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस बी वन एंड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस टू, क्योंकि यू वन की बेसिस बी वन है और यू टू की बेसिस बी टू है, तो u इज इक्वल टू आई रनिंग वन टू एम अल्फा वी आई, और u रनिंग समीशन j फ्रॉम वन टू n बी जे डब्ल्यू जे। तो अब यहाँ से आपके पास u को हम लिख पाए दो वे से, दैट मीन्स दोनों इक्वल होंगे, समीशन i रनिंग फ्रॉम वन टू m अल्फा वी आई समीशन इज इक्वल टू समीशन रनिंग फ्रॉम j वन टू n बी जे डब्ल्यू जे। तो यहाँ से आपके पास ओपन करके अल्फा वन वी वन प्लस अल्फा टू वी टू सो ऑन अल्फा m वी वन इज इक्वल टू बी वन डब्ल्यू वन प्लस बी टू डब्ल्यू टू प्लस बी एन बी थ्री डब्ल्यू एन प्लस सो ऑन बी एन डब्ल्यू एन। अब इन दोनों को एक तरफ ले आएंगे तो आपके पास राइट हैंड साइड में जो बी वन डब्ल्यू वन थे वो नेगेटिव वाली टर्म्स हो जाएंगी, तो ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू प्लस ऑन ए एम बी एन माइनस बी वन डब्ल्यू वन माइनस बी टू डब्ल्यू टू सो ऑन माइनस बी एन डब्ल्यू वन इज इक्वल टू जीरो। अब बी जो सेट है जिसके अंदर वी वन वी टू सो ऑन वी एम डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू सोन डब्ल्यू एम इस लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, दैट मीन्स सारे के सारे स्केलर, अगर लीनियर कॉम्बिनेशन तभी आएगा जब सारे के सारे स्केलर जीरो होंगे, दैट मीन्स ए वन ए टू सोन ए एम माइनस बी वन माइनस बी टू सोन माइनस बी एन ये सारे स्केलर्स क्या होंगे जीरो होंगे, दैट मीन्स ए आई इज जीरो फॉर ऑल आई आई ग्रेटर देन इक्वल टू वन लेस देन इक्वल टू एम बी जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल जे रनिंग फ्रॉम वन टू एन तक, तो दैट मीन्स इम्प्लाइज दैट कि आपके पास जो u वेक्टर है वो जीरो वेक्टर आया, तो हैंस आर्बिट्री एलिमेंट उठाया था u1 इंटरसेक्शन में है, तो इंटरसेक्शन जीरो सबस्पेस होगी, तो हम v इज इक्वल टू u1 प्लस u2 है गिवन है और इंटरसेक्शन जीरो सबस्पेस आ गई, दैट मीन्स हम डायरेक्ट सम लिख पाए क्योंकि हमें पता है कि अगर लीनियर सम हो दो सबस्पेसिस का v और दोनों सबस्पेसिस की इंटरसेक्शन जीरो, दैट मीन्स डिसजॉइंट सबस्पेसिस, तो हम उसको डायरेक्ट सम लिख सकते हैं, तो v इज इक्वल टू डायरेक्ट सम ऑफ u1 प्लस डायरेक्ट सम ऑफ u2। तो डेफिनेशन 12th आती है इसके बाद कि सब स्पेस यू वन यू टू सोन यू एन ऑफ ए वैक्टर स्पेस वी एफ इज कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब सब स्पेस की बात हो रही है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे, ठीक है, अगर हम यू वन जो स्मॉल यू वन है प्लस यू टू प्लस ऑन यू एन इज इक्वल टू जीरो लिखते हैं, ठीक है, ये सारे वैक्टर जीरो हैं तभी आपके पास लीनियर जो सम है इनका वो जीरो आ रहा है, फॉर ऑल यू आई बिलोंग टू यू आई कैपिटल यू आई में से, दैट मीन्स यू वन फर्स्ट सबस्पेस में से यू वन में से आना चाहिए, यू टू सेकेंड सबस्पेस यू टू में से आना चाहिए, सारे के सारे आपको अगर जीरो वैक्टर मिल रहे हैं तभी आपको इनका लीनियर सम जो सम है वो जीरो आ रहा है, तो हम तब कहेंगे कि आपके पास ये सबस्पेस क्या हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, थैंक यू।